एक बार फिर हाजिर हैं हम आपका पॉपुलर पॉलिटिकल शो बोल जनता बोल लेकर। हम आज का एपिसोड शुरू करें उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं और उस तस्वीर को देखने के बाद आपको बताएंगे कि ये जो हालात है यहाँ के उस पर यहाँ की पब्लिक क्या कहती है। हम अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरा तस्वीरें दिखाएं पहले इस इलाके की। आप देख सकते हैं ये तस्वीर है और ये राजधानी रांची की तस्वीर है जिसे स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद चल रही है। ये एक हिस्सा है राजधानी रांची का। जी हाँ, बोल जनता बोल में आज हम खड़े हैं रांची के मधुकम इलाके में, जहाँ की तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने यहाँ की पब्लिक के लिए कितना काम किया है। तो क्या यहाँ जो जिन नेताओं ने या विधायक कह ले या सांसद कह ले जिन्होंने भी जो काम किया उससे यहाँ के लोग कितने संतुष्ट हैं और क्या वो दोबारा मौका देना चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधि को जो इस वक्त यहाँ के सांसद है, या फिर उनके मूड में कुछ चेंजेस का और वो कुछ चेंज लाना चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं, इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे यहाँ की पब्लिक से। तो चलते हैं पब्लिक के पास और जानते हैं यहाँ की पब्लिक का क्या है मूड। सबसे पहले बात करते हैं सर, बताइए यहाँ ये मधुकम इलाका बहुत पुराना इलाका है ये रांची का और रांची की जान कही जाती है रातू रोड। रातू रोड से सटा हुआ इलाका है लेकिन जिस तरह से यहाँ पे चारों तरफ गंदगी है और कुछ भी सुविधाएं कुछ नजर नहीं आ रही है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सुविधाएं तो होगी, हमको लगता है कि एक बार फिर से अगर हम लोग मोदी जी को वोट देंगे तो जो सुविधा तो बहुत हुआ है, पहले से बहुत ज़्यादा जो पिछड़ा हुआ था हमारे मधुकम जो इलाका है पहले से बहुत डेवलप हुआ है और हम लोग एक बार और मोदी जी को वोट देंगे तो और हम लोगों को लगता है जी कि जो बचा हुआ काम है वो पूरा हो जाए। यानी पिछले 5 साल में जो काम हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट है। तो ये फिर ये जो तस्वीरें हैं वो बदलाव तो दिख नहीं रहा था? बदलाव दिखेगा, बदलाव कैसे नहीं दिख रहा, पहले था रोड नहीं था, नाली नहीं था, सारी चीज बनी हुई है, बिजली में समस्या होता था, सारा चीज धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, आने वाले दिन में और भी डेवलप होगा। अब देखिए जी कि जो बच्चे शिक्षा में प्रोग्रेस हुआ है, हर जगह देखिए मैडम प्रोग्रेस होते जा रहा है, जैसे जैसे डेवलप होगा उस तरह से यहाँ भी डेवलप होगा। ठीक है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है और मोदी सरकार के जो मोदी सरकार जब से आए हैं तो इनका कहना है कि विकास के काम हुए हैं। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती ऐसा कहा जाता है लेकिन लोगों का मानना है कि चीजें बदली हैं, तस्वीर बदली है, कुछ और भी है लोग हमारे साथ। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या वाकई तस्वीर बदली है? देखिए मैडम, ऐसा है ना कि जितना होना चाहिए उतना काम हुआ नहीं है, आप भी देख रहे हैं यहाँ पर, आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों को दिखाया भी जा रहा है, जिस तरह से विकास होना चाहिए वैसा कुछ हुआ नहीं है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो भी यहाँ के मतलब सरकार जो भी बनेगा कि कुछ करे हम लोग के लिए, यहाँ पर जो भी विकास का काम जो भी बचा हुआ है वो सब कर दे यहाँ के लिए। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के जितना भी हम लोग का जो भी प्रतिनिधि बन के आए, खासकर ये जो मधुकम इलाका जो है, जो भी बचा हुआ काम है उन लोग के नजर में जाए और ध्यान दे हम लोगों को यहाँ पर, क्योंकि हम लोग यहाँ के प्रतिनिधि चुनते हैं ना। तो प्रतिनिधि चुनते हैं इसलिए, ये बहुत बड़ी बात है, प्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं ताकि तस्वीर बदले, विकास हो और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, कुछ महिलाओं से बात करते हैं कि उन्हें वाकई क्या उनके जीवन में बदलाव आया है, उनके जीवन की तस्वीर बदली है, अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि ने अगर कुछ काम किया है तो उन्हें क्या क्या सहूलियतें मिल पाई हैं, उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिल पाई हैं, बात करते हैं। आप बताइए कि क्या जो यहाँ के नेता हैं, विधायक हैं या सांसद हैं, उनके काम से आप खुश हैं? बताइए। हाँ, हम लोग तो खुश हैं, बनिए रहा है नाली रोड से तो बनिए रहा है और लैंडिंग से टना रहा है, सब हो रहा है विकास यहाँ पर, पानी बिजली सड़क तीनों चीजें अच्छे से मिल रही हैं? हाँ, सब मिल रहा है। आप बताइए, आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। ठीक है, सब चीज तो देख रहे हैं कि ठीक से हो रहा है, नली में मेरा गली में भी सब बन गया है, सर सफाई हो ये रहा है, पहले उतना गंदगी था तो कि नली तक भरा रहता था,
पर नाली के पानी रोड पर भी आ जाते थे। अभी ये तो ठीक है, यानी आप अपने नेता के काम से खुश है? हाँ, खुश है। तो आप जानती है आपके सांसद कौन है? राहुल चौधरी है। शायद नाम ठीक से जानती नहीं, लेकिन बताने की कोशिश जरूर की है इन्होंने। राम टहल चौधरी जी हैं यहाँ के सांसद, लेकिन इनका ये जरूर मानना है कि जो नेताओं ने जिन्होंने भी यहाँ काम किया उनके काम से खुश है। पहले नालियाँ होती थी, नाली का पानी सड़क पर गिरता था, लेकिन अब तस्वीर बदली है। हालांकि सच्चाई शायद अभी भी कोसों दूर है कुछ लोग, लेकिन जहां से तस्वीर बदलनी शुरू हुई तो लोग थोड़े से खुश हैं कि वाकई कुछ काम तो हुआ है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि सिर्फ नाली बन जाना, सड़कें बन जाना विकास का सिर्फ वही पैमाना नहीं है, कुछ और भी चीजें हैं जो बदलनी चाहिए और उस बदलाव को लेकर लोग अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। तो आप बताइए कि अगर आप आपके नेता यहाँ पर आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आश्वासन देते हैं, तो अब तक जितना काम हुआ है क्या उससे आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? हाँ, मैं पूरा खुश हूँ उस काम से। अभी तक मैं जितना भी बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। इससे पहले बहुत ही काम ये कोमा में पड़ा हुआ था, लेकिन अभी अभी का जो सरकार आई और जो बदलाव हुआ हमारे झारखंड राज्य की, बहुत ही अच्छा। क्या क्या बदला दर्शकों को बताऊं कि इस इलाके से बहुत गहरा नाता मेरा भी रहा है। उस वक्त की बातें कुछ और होती थी, लेकिन अब तस्वीरें जो बदलनी चाहिए अब तक वैसी बदली नहीं है। तो जरा जानते हैं कि क्या क्या कुछ बदला, क्या कुछ बदला है 10 सालों की हम बात करें तो क्या कुछ बदला है? सड़क बदला, नाला बदला, बिजली बदली, सब कुछ में परिवर्तन है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं बदला है, बहुत परिवर्तन हुआ है। अभी से कुछ साल पहले, 5 साल पहले कुछ और था, लेकिन अभी अभी झारखंड रांची में कुछ और दिखने को मिल रहा है। इतना उन्नति कभी कोई भी सरकार में नहीं थी। तो ये जो तस्वीर अभी हमने दिखाई है, तो तस्वीर अभी भी वैसी है, खुली नालियां पड़ी हैं और फिर सड़क ठीक है, लेकिन जो खुली नालियां हैं, बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। तो कैसे तस्वीर कहां बदली? वो तो काम अभी चालू है, चलिए रहा है, ऐसा नहीं है कि बंद हुआ है। काम में तभी प्रगति है, काम अभी रुका नहीं है, काम चलिए रहा है, धीरे धीरे बदल ही जाएगा। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आए और इस काम को तो वो निपटा ही देगा और एक स्वच्छ भारत बनाएगा। चलिए, तो बीजेपी की सरकार की वापसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो बात कुछ लोगों का ये मानना है कि तस्वीर कुछ कुछ बदली है, बुनियादी सुविधाएं जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है, नाली बन गया है, सड़क बन गई है और बिजली की सुविधाएं भी उन्हें मिल रही है, पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। अब अगर महिलाओं की जरूरतों की बात कर ले और अगर उनसे ये पूछे कि क्या उन्होंने अपने नेता से मुलाकात की है, नेताओं से जो आश्वासन मिला है क्या वो आश्वासन उनके दरवाजे तक पहुंचा है, उनके घरों तक पहुंचा है? आप ये बताइए कि क्या आप नेता जो है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कभी मिली हैं आप? नहीं मिली है। कुछ कभी रैली, भाषण कुछ भी हुआ हो उसमें गई हो, आपने उन्हें देखा हो कभी ऐसा? हाँ, उसमें गए, पार्षद में गई। तो पार्षद ने जितना वायदा किया आपसे, जितना भरोसा दिलाया कि इतना काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्या उतना सारा काम हुआ है? वो तो देख रहे कर ही रहा है जो हो रहा है सो रहा है, और कहा, मतलब खुश है आप? हाँ, ठीक, खुश है। ठीक है, तो कुछ है महिलाएं, उनका कहना है कि जो पार्षद ने जो वायदे किए हैं, जो काम किया उन्होंने, धीरे धीरे हो रहा है और खुश है उनके काम से। लेकिन एक सवाल जो है, सिक्योरिटी की बात हम बोल जनता बोल में हमेशा से करते आए हैं, क्राइम एक अहम मुद्दा रहा है, तो क्राइम को लेकर अगर हम यहाँ के लोगों से बात करें तो क्या जो भी वारदात सामने आ रही है क्या उसे लेकर यहाँ भी लोगों के मन में संशय है? क्या सरकार को यहाँ के भी लोग सवालों में खड़ा करते हैं, पूछते हैं उनसे और जानते हैं कि क्राइम कंट्रोल को लेकर क्या है यहाँ की पब्लिक का मूड? आप बताइए सर, यहाँ मधुकम कभी काफी बदनाम हुआ करता था दिन दहाड़े मर्डर्स के लिए, लेकिन क्या अब जो है बदलाव हुआ है? बीजेपी की सरकार आई और पिछले 5 साल जो है वो बहुमत की सरकार है, तो क्या इन सारी चीजों में बदलाव हुआ है या अभी भी एक डर है कि कभी भी मधुकम में ऐसी खबरें आएंगी कि एक मर्डर यहाँ हुआ या चोरी भी डकैती भी, क्या कुछ बदला है अब तक? बदलाव अभी कुछ नहीं हुआ है, जो पहले था हल्का फुल्का थोड़ा सा सुधार हुआ है और हम लोग उम्मीद में है बीजेपी को एक बार मौका देना चाहते हैं कि और कुछ सुधार हो।
अगर हम शिक्षा की बात करें, सरकार शिक्षा के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, तो क्या उस योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को मिल पाया है, आप लोगों को मिल पाया है? अभी तक तो हम लोग को नहीं मिल पाया है ना। क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग चाहते हैं कि गरीब जो है उसके लिए एक सरकारी स्कूल में कुछ सुविधा मिले, टीचर रहे, परमानेंट आए। यहाँ जो सरकारी स्कूल है क्या उसमें शिक्षक आते हैं, नियमित रूप से आते हैं? कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है? बस एक ही छोटा सा स्कूल है वहाँ पर, और उसी में जो पढ़ता है, बाकी तो खेलते रहता है बच्चे लोग, सब देखिए रहे सामने भी है। और जैसे कुछ महिलाओं से हमने बात की, उन्होंने तो कहा कि उन्होंने अब तक सांसद को देखा नहीं, यहाँ तक कि नाम भी वो जो है सही से नहीं बता पा रही थी, लेकिन अब जो है आप लोगों से पूछना चाहते हैं, थोड़ा आगे आ जाइए प्लीज। क्या आपने अपने सांसद, आप लोगों सबसे पूछना है एक सवाल, क्या आप लोग सबने अपने सांसद को देखा है? नहीं, कोई नहीं देखा। कितने लोगों ने नहीं देखा, हाथ उठाइए। तो आप कैमरा पैन करके जरूर दिखाइए कि सांसद को किसने देखा है और किसने नहीं देखा है। तो ये है तस्वीर इस इलाके की, अपना इलाका में कभी देखे नहीं। तो ये है तस्वीर यहाँ की, इस इलाके के मैक्सिमम लोग जो हमारे साथ खड़े हैं उन्होंने अब तक अपने सांसद को नहीं देखा। तो सांसद ने क्या काम किया है, कैसा किया है, ये बताना भी शायद उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी चौधरी, ये आज तक मतकम का विकास नहीं किए हैं, हम करना चाहते हैं। आप यहाँ आकर बताइए। राम टहल चौधरी जी रांची के सांसद हुए, लेकिन आज तक ना मतकम का विकास चाहते हैं ना किए हैं। हमको लगता है क्यों नहीं चाहते, उन क्या क्या दिक्कत है? मतकम का लोग उसको सही से देख नहीं पाए ना, यहाँ उनका ऐसा कोई कार्यक्रम चला है जो उस सभा में लोग जाएं, कभी राम चल चौधरी जी कभी चाहते ना कि आपको एक जनसभा करे जिसमें लोग अपना समस्या रखे। तो क्यों ये इस तरह से बात है, क्योंकि वो चाहते नहीं है, इसका कोई रीजन होगा, कोई वजह होगी? तो जनता क्या बोली, ये एरिया उनको मालूम भी नहीं होगा कि ये एरिया उनका करेंगे एरिया पे, तब तो पता चलेगा क्या है, कौन है यहाँ का सांसद, क्या है। जब उनके मन में खाली मोदी के नाम से ही वो जी जाते हैं, है ना, वो काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मोदी जी का एक नंबर है उसमें, किंतु परंतु कहने लायक कोई भी बात नहीं है। आज भी हम लोग मोदी का, मतकम पूरा मोदी का सपोर्ट में है, लेकिन उनका जो नीचे अभी ये रांची क्षेत्र का जो रामटाल चौधरी जी हुए, वो इस इलाके कोई नहीं देगा यहाँ पर, सिर्फ मोदी के नाम। ठीक है, तो लोग यहाँ पर जो है इस बात को लेकर आक्रोशित है कि मोदी जी के नाम पर वोट तो उन्हें मिलता है, मोदी जी का काम बेहतर है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय सांसद है उनके काम से यहाँ की पब्लिक तो बिल्कुल भी खुश नहीं। सीधे तौर पर उनका कहना है कि मोदी के नाम पर वोट तो बटोर लेते हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं करते। बहुत सारे मुद्दे और भी है जिन पर खुलकर होगी यहाँ की पब्लिक से बात, लेकिन वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे और भी कई मुद्दों पर। आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं बोल जनता बोल, और आज हम जान रहे हैं मधुकम इलाके के पब्लिक का मूड क्या कहती है यहाँ की जनता। और अभी तक हमने बात की कि क्या उन्होंने अपने सांसद को देखा है, क्या जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने जो काम किया है, क्या उनके कामों से आप खुश हैं। लेकिन अब बात करेंगे अपने यहाँ के कुछ यंगस्टर्स से, क्योंकि माना जाता है कि अभी तक इंडिया में जो है वो सबसे ज्यादा यंगस्टर्स हैं जो देश को बदल सकते हैं, देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन अगर बात हम सिर्फ झारखंड की करें, इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ राजधानी रांची की करें, तो यहाँ के युवा क्या सोचते हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या है उनका मूड, और पूछते हैं उनसे। आप आगे आइए, आप ये बताइए, आप यंगस्टर हैं, वोट देने जाएंगे आप, क्या यहाँ के जो सांसद हैं उनके काम से आप खुश हैं, आप चेंज चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि जो हैं उन्हें बरकरार रहना चाहिए? सांसद तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। सिर्फ वोट लेने आते हैं, मतलब वोट तो हर नेता तो यही चाहता है ना, हर नेता को तो वोट ही चाहिए, तो उसके बाद तो दिखते ही नहीं है पाँच साल ही नहीं। आप क्या चाहते हैं, एक सांसद अगर आप चुन रहे हैं तो वो सांसद क्या क्या करे आपके लिए? अब सांसद हमारे क्षेत्र का विकास करे। कैसा विकास होना चाहिए आप लोगों के लिए, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ भी, क्या चाहते हैं आप पर्सनली? एक अगर पर्टिकुलर सिर्फ आपके लिए हम बात करें तो आप अपने सांसद से क्या चाहते हैं? शिक्षा, रोजगार। सबसे पहला यहाँ का देखिए पानी समस्या है, यहाँ का सबसे अभी समस्या है, अभी एक महीना बाद पानी का समस्या इतना हो जाएगा कि मतलब सब टैंकर के पीछे दौड़ेंगे।
टैंकर के पीछे सब दौड़ते ही रहेंगे। जो लोग नजर आ रहे हैं सब पानी का ज्यादा समस्या होता है हम लोग क्षेत्र में, पानी की समस्या ज्यादा है। आप भी कुछ कह रहे थे, आप बताइए कि क्या पानी का समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ, समझे ना। पानी जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन नहीं आया हुआ है ना, उसको जोड़ने का मैंने कोई भी उपाय करना करवाना चाहते हैं हम लोग। भी एरिया आप देखिए रहे कैसा यहाँ का स्थिति है, नरका जिंदगी जी रहे हैं। सांसद के तरफ से विकास का काम नहीं होता है। अच्छा, ये तो था कि सांसद की तरफ से विकास नहीं हो रहा है, ठीक है, सांसद को रहने दीजिए। सरकार भी कई तरह की योजनाएं चलाती है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो आप लोगों के विकास के लिए, हम सभी के विकास के लिए चलाती है। तो क्या यहाँ पर जो सरकारी योजनाओं की बात करें तो क्या उनको आप वो आप लोग तक पहुँच पा रही है? केंद्र का तो जैसे केंद्र का पहुँच रहा है, शौचालय का भी बहुत काम हुआ है, पहुँच रहा है, विधायक कोटा से पहुँच रहा है, लेकिन सांसद कोटा से कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ। सांसद कोटा से कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा, यानी कि जो भी मिल रहा है केंद्रीय योजना, हाँ केंद्रीय योजना से ही मिल रहा है, सांसद तरफ से नहीं मिलता है, काम हो रहा है। जो भी सुविधा मिल रही है मोदी सरकार की ओर से मिल रही है, और यहाँ के जो भी नेतागण है सब चद्दर ढक के, तो 5 साल पहले बिछा हुआ था, मगर अभी तक हम लोग को सुविधा नहीं मिला, अभी तक खुलबे नहीं किया, खुल जाते तो पानी की समस्या दूर हो जाती। ठीक है, जैसे इनका ये कहना था कि अगर वो वोट डालेंगे तो ये सोचेंगे कि उनका सांसद क्या क्या काम करे, आप क्या सोचते हैं कि अगर आप सांसद चुनने जाएंगे, अगर आपको मौका दिया जाए कि आपको सांसद चुनना है तो क्या खूबियां होना चाहिए आपके सांसद के लिए? नहीं, वही खूबियां होनी चाहिए, एक बार ध्यान दे, वोट के बाद भी आए, सबसे जानकारी ले कि क्या समस्या है, जानकारी ले। यानी कि एक बात जो खास तौर पे है, लोगों में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश है कि जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं या जनप्रतिनिधि हैं, उनके बीच संपर्क कायम नहीं हो पाता, एक संवादहीनता है, और इस संवादहीनता से लोगों में खासी नाराजगी है। वो चाहते हैं कि ये संवादहीनता जो है, ये दूरी जो है वो बांटनी चाहिए। किसको बांटनी चाहिए? जनप्रतिनिधि को चाहिए, क्योंकि काफी लोग तो ये तक नहीं जानते कि उनका सांसद कौन है, और अगर पार्षद काम कर रहा है या विधायक काम कर रहा है तो क्या काम कर रहा है, कौन सी योजनाएं लाई जा रही है, ये भी पता नहीं है। और अगर यहाँ पे हम बात करें सरकारी योजनाओं की, तो लोगों का ये कहना है कि केंद्रीय योजनाएं तो उन तक पहुंचती हैं, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि या फिर राज्य की योजनाएं हैं, उन्हें अवेल करना थोड़ा इनके लिए मुश्किल होता है, इन्हें पता भी नहीं। शिक्षा के बारे में ये बात आई कि महज एक इस इलाके में एक सरकारी स्कूल है जिसमें शिक्षक कभी आते कभी नहीं आते, बच्चे यूं ही घूमते हैं। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो बस जाते हैं और आते हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए वहां पर शिक्षक मौजूद नहीं है। कुछ और बच्चे उनसे बात करते हैं, यंगस्टर्स हैं, आइए इधर आइए, आई आई ठीक है भैया, आप बताइए अगर वोट करने जाएंगे आप लोग सब, अगर वोट करने जाएंगे तो एक चीज जो दिमाग में चलता है, हर वोटर के दिमाग में चलता है कि जब तक वो नेता मेरे लिए काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं देंगे। तो जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या क्या चलेगा आपके दिमाग में, क्या रहेगा, कौन से मुद्दे रहेंगे जिस बेसिस पे आप वोट कास्ट करेंगे? पहले तो देखेंगे वो जो हमारे जो भी हम लोग जो प्रतिनिधि बनने वाले होंगे कि वो कैसा है, ठीक है, वो मतलब जनता के विषय में आते हैं कि नहीं आते हैं, जनता से उनका संपर्क कैसा है, उनके बाद देखते हैं कि वो काम करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बाद ही हम लोग सोचेंगे कि क्या करना क्या नहीं। यानी कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर वोट करेंगे आप? जी, अच्छा, स्थानीय मुद्दे जो भी हम लोगों के बीच में, जनता के जो भी समस्या है उन लोगों पे, उस चीज को हम लोग अपने माइंड में मेकअप कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग सोचेंगे कि क्या करने क्या नहीं। और आइए कुछ अब जो यहाँ मौजूद महिलाएं हैं उनसे पूछ लेते हैं कि जब वो वोट करने जाएंगी तो क्या उनके दिमाग में चलेगा, क्या रहेगा उनका, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि उनका सांसद जो हो वो कैसा हो, क्या कुछ उम्मीदें हैं उनको अपने सांसद से, अपने जनप्रतिनिधि से, पूछते हैं। शायद वो जवाब देना नहीं चाहती तो कैमरे के पीछे है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि पार्षद काम कर रहे हैं, धीरे धीरे काम हो रहा है, और भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे इन्होंने बताया कि बिजली जो है, बिजली और सड़क जो है वो तो मिल गई है, लेकिन नालियों का हाल अब भी बुरा है, तस्वीरें ज्यादा बदली नहीं, क्राइम कंट्रोल की कवायद नहीं हो रही है। तो एक बार और पूछते हैं हम कि आखिर जो जिस तरह से आयुष्मान योजना चलाया सरकार ने, क्या आप लोग में से किसी को भी इस योजना का लाभ मिल पाया? किसी को अभी नहीं मिला है। नहीं, हमको मिला है। आइए, पागल हमको मिला है, हमारा किडनी में स्टोन था,
हम उसको वहाँ क्या नाम है अमृत हॉस्पिटल से हम करवाए वहाँ पे 13,000 कुछ रुपया कटा वहाँ से मिला हमको वहाँ से। और क्या बोले इसमें आयुष्मान भारत की है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ नकारात्मक चीजें ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सरकारी योजना का लाभ मिला है। अभी अभी एक शख्स ने बताया कि उन्हें आयुष्मान योजना का लाभ मिला, यानी सरकारी योजनाएं पहुंच तो रही है, हालांकि इसके क्रियान्वयन में थोड़ी बहुत देरी हो रही है और थोड़ी बहुत जो रुकावटें हैं उसे दूर करके इन सारी योजनाओं को घर घर तक पहुँचाया जा सकता है। और जिस तरह से सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा नहीं है, बच्चे आप मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं अभी और इन बच्चों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सारे बच्चे यहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हैं, जहाँ जिस सरकारी स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 शिक्षक हैं और वो भी अक्सर नदारद रहते हैं। तो यहाँ के लोगों की ये मांग है कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर शिक्षक नियुक्त कराए जाएं और इन बच्चों को एक स्कूल मिले ऐसा जहाँ वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। और अगर सुरक्षित की बात हो रही है, भविष्य सुरक्षित करने की बात हो रही है, तो सुरक्षा की बात एक बार फिर करते हैं। यहाँ पर जो क्राइम कंट्रोल की बात हो रही थी कि जिस तरह से वारदात होती है और सुरक्षा को लेकर अभी भी राज्य में बहुत तरह की वारदात हो गई, तो इस इलाके में क्या पर्याप्त तौर पर सुरक्षा मुहैया कराई गई है सरकार की ओर से या जनप्रतिनिधि की ओर से? जी नहीं, वैसे कोई बात नहीं है, नहीं वैसे कोई सुरक्षा का मतलब वैसा नहीं मिल पा रहा किसी को। आए दिन कुछ ना कुछ वारदात होते ही रहता है यहाँ। तो हम लोग मांग करते हैं कि आने वाले जो भी हम लोग प्रतिनिधि बनेंगे कि कृपया करके इस क्षेत्र में मतलब जो भी सुरक्षा का मतलब सुरक्षा की दृष्टि से जो भी कार्य किया मतलब होना चाहिए, आप कृपया करके ध्यान दीजिएगा इधर। और एक चीज, एक सवाल जो था जो हम लगातार अपने इस कार्यक्रम के जरिए उठाते रहे, आजकल अभिभावक के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि निजी स्कूलों की मनमानी बहुत बढ़ गई है और इस पर रोक लगाने के लिए, इस मनमानी को रोकने के लिए कई बार अभिभावक संघ ने भी कई मुद्दे उठाए, मांग की है सरकार से, लेकिन कुछ अमल होता नजर नहीं आया। तो पूछते हैं कि सर जिस तरह से सरकारी स्कूल में तो पैसे कम लगते हैं लेकिन वहां की व्यवस्था आप देख ही रहे, लेकिन निजी स्कूल इसी का फायदा उठाते हैं और जो हर साल जो फीस में वृद्धि की जाती है रीएडमिशन के नाम पर, जिस तरह से मनमाना पैसा वसूला जाता है, क्या उसे लेकर सरकार से अब क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में ऐसा सुविधा दे कि हम लोग प्राइवेट स्कूल में ना जाए और बच्चा को उसी में डाले, और नहीं तो फिर कुछ ऐसा उपाय किया जाए जो प्राइवेट स्कूल अपना मनमानी फीस नहीं बढ़ा सके। और एनिमल जो अभी नियम बना दिया है जो एनिमल का फिर से नाम एडिशन करा, उसमें कुछ रोक हो और हम लोग कुछ रेफरेंस मिले। तो मतलब आप चाहते हैं कि सरकार इसमें जल्द से जल्द कोई स्टेप ले, कोई कदम बढ़ाए ताकि ये जो मनमानी है उस पर रोक लगे। हाँ हाँ, यही चाहते हैं कि फीस पर कम से कम कंट्रोल होना चाहिए सरकार का। तो देखा आपने, यहाँ के लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी सुविधाएं जो है उससे तो जूझ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि धीरे धीरे विकास हो रहा है, तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है, हालांकि बदलाव में वक्त लगेगा, लेकिन बतौर सांसद जो वो चुनेंगे उनके लिए वो ये जरूर उम्मीद रखते हैं कि उनका सांसद ऐसा हो जो वो उनकी जिंदगी के जो स्तर है उसमें बदलाव ला सके। हमारे साथ एक महिला जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। हम सांसद जो हैं आपके, आप उनको पहचानती हैं? किनको? आपको? यहाँ नहीं, आप यहाँ के सांसद को पहचानते हैं? यहाँ के सांसद समझ रहे हैं, यहाँ के सांसद कौन है? यहाँ के सांसद कौन है? यहाँ के सांसद को नहीं जानती, जनप्रतिनिधि कौन है नहीं जानती, लेकिन फिर भी एक सवाल जो है, आप सरकार को तो जानती है, सरकार सरकार से आप क्या क्या चाहती है? लोकसभा इलेक्शन होने वाले, वोट डालने जाएंगी ना, वोट डालने जाएंगी, तो क्या चाहती है, क्या क्या मिले आपको सरकार से? सुविधा मिले। कौन सी सुविधा? पानी के, बिजली के, रोड नाली के, इस सब के सुविधा मिले, बहुत अच्छा के बात है। तो भले ही सांसद को ना जाने ना पहचाने, अपने जनप्रतिनिधि की पहचान ना हो, लेकिन एक उम्मीद है, एक आशा है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे वो इनके समस्याएं जरूर दूर करेंगे और जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो इन्हें जरूर मिलेंगी। तो आज के बोल जनता बोल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर किसी और इलाके में होगी मुलाकात। नमस्कार।
का स्वागत है और आप देख रहे हैं बोल जनता बोल। और आज हम जान रहे हैं मधुकम इलाके के पब्लिक का मूड क्या कहती है यहाँ की जनता। और अभी तक हमने बात की कि क्या उन्होंने अपने सांसद को देखा है, क्या जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने जो काम किया है क्या उनके कामों से आप खुश हैं। लेकिन अब बात करेंगे अपने यहाँ के कुछ यंगस्टर्स से, क्योंकि माना जाता है कि अभी तक इंडिया में जो है वो सबसे ज्यादा यंगस्टर्स हैं जो देश को बदल सकते हैं, देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन अगर बात हम सिर्फ झारखंड की करें, इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ राजधानी रांची की करें, तो यहाँ के युवा क्या सोचते हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या है उनका मूड, और पूछते हैं उनसे। आप आगे आइए, आप ये बताइए, आप यंगस्टर हैं, वोट देने जाएंगे आप, क्या यहाँ के जो सांसद हैं उनके काम से आप खुश हैं, आप चेंज चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि जो हैं उन्हें बरकरार रहना चाहिए? सांसद तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। सिर्फ वोट लेने आते हैं, मतलब वोट तो हर नेता तो यही चाहता है ना, हर नेता को तो वोट ही चाहिए, तो उसके बाद तो दिखते ही नहीं है पाँच साल। आप क्या चाहते हैं, एक सांसद अगर आप चुन रहे हैं तो वो सांसद क्या क्या करे आपके लिए? अब सांसद हमारे क्षेत्र का विकास करे। कैसा विकास होना चाहिए आप लोगों के लिए, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ भी, क्या चाहते हैं आप पर्सनली? एक अगर पर्टिकुलर सिर्फ आपके लिए हम बात करें तो आप अपने सांसद से क्या चाहते हैं? शिक्षा, रोजगार। सबसे पहला यहाँ का देखिए पानी समस्या है, यहाँ का सबसे अभी समस्या है। अभी एक महीना बाद पानी का समस्या इतना हो जाएगा कि मतलब सब टैंकर के पीछे दौड़ेंगे, टैंकर के पीछे सब दौड़ते ही रहेंगे। जो लोग नजर आ रहे हैं सब पानी का ज्यादा समस्या होता है हम लोग क्षेत्र में, पानी की समस्या ज्यादा है। आप भी कुछ कह रहे थे, आप बताइए कि क्या? पानी का समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ, समझे ना, पानी जो पाइपलाइन है पाइपलाइन नहीं आया हुआ है ना, उसको जोड़ने का मैंने कोई भी उपाय करना करवाना चाहते हैं हम लोग। भी एरिया आप देखिए रहे कैसा यहाँ का स्थिति है, नरक का जिंदगी जी रहे हैं। सांसद के तरफ से विकास का काम नहीं होता है। अच्छा, ये तो था कि सांसद की तरफ से विकास नहीं हो रहा है, ठीक है, सांसद को रहने दीजिए। सरकार भी कई तरह की योजनाएं चलाती है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो आप लोगों के विकास के लिए, हम सभी के विकास के लिए चलाती है। तो क्या यहाँ पर जो सरकारी योजनाओं की बात करें तो क्या उनको आप वो आप लोग तक पहुँच पा रहे हैं? केंद्र का तो जैसे केंद्र का पहुँच रहा है, शौचालय का भी बहुत काम हुआ है, पहुँच रहा है, विधायक कोटा से पहुँच रहा है, लेकिन सांसद कोटा से कुछ काम नहीं हो रहा है, सांसद कोटा से कुछ काम नहीं हो रहा, नहीं। यानी कि जो भी मिल रहा है केंद्रीय योजना, हाँ, केंद्रीय योजना से ही मिल रहा है, सांसद तरफ से नहीं मिलता है, काम हो रहा है, जो भी सुविधा मिल रही है मोदी सरकार की ओर से मिल रही है, और यहाँ के जो भी नेतागण है सब चद्दर ढक के, तो पाँच साल पहले बिछा हुआ था, मगर अभी तक हम लोग को सुविधा नहीं मिला, अभी तक खुलबे नहीं किया, खुल जाते तो पानी की समस्या दूर हो जाती, ठीक है। जैसे इनका ये कहना था कि अगर वो वोट डालेंगे तो ये सोचेंगे कि उनका सांसद क्या क्या काम करे, आप क्या सोचते हैं कि अगर आप सांसद चुनने जाएंगे, अगर आपको मौका दिया जाए कि आपको सांसद चुनना है तो क्या खूबियां होना चाहिए आपके सांसद के लिए? नहीं, वही खूबियां होना चाहिए, एक बार ध्यान दे, वोट के बाद भी आए, सबसे जानकारी लें कि क्या समस्या है, जानकारी लें। यानी कि एक बात जो खास तौर पे है, लोगों में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश है कि जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं या जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच संपर्क कायम नहीं हो पाता, एक संवादहीनता है, और इस संवादहीनता से लोगों में खासी नाराजगी है, वो चाहते हैं कि ये संवादहीनता जो है, ये दूरी जो है वो बांटनी चाहिए। किसको बांटनी चाहिए? जनप्रतिनिधि को चाहिए, क्योंकि काफी लोग तो ये तक नहीं जानते कि उनका सांसद कौन है, और अगर पार्षद काम कर रहा है या विधायक काम कर रहा है तो क्या काम कर रहा है, कौन सी योजनाएं लाई जा रही है ये भी पता नहीं है। और अगर यहाँ पे हम बात करें सरकारी योजनाओं की, तो लोगों का ये कहना है कि केंद्रीय योजनाएं तो उन तक पहुंचती हैं, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि या फिर राज्य की योजनाएं, उन्हें अवेल करना थोड़ा इनके लिए मुश्किल होता है, इन्हें पता भी नहीं। शिक्षा के बारे में ये बात आई कि महज एक इस इलाके में एक सरकारी स्कूल है जिसमें शिक्षक कभी आते कभी नहीं आते, बच्चे यूं ही घूमते हैं, जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो बस जाते हैं और आते हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए वहां पर शिक्षक मौजूद नहीं है। कुछ और बच्चे उनसे बात करते हैं, यंगस्टर्स हैं, आइए इधर आइए, आइए आइए, ठीक है भैया, आप बताइए, आप बताइए, अगर वोट करने जाएंगे आप लोग सब, अगर वोट करने जाएंगे तो एक चीज जो दिमाग में चलता है, हर वोटर के दिमाग में चलता है कि जब तक वो नेता मेरे लिए काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं देंगे, तो जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या क्या चलेगा आपका दिमाग में, क्या रहेगा, कौन से मुद्दे रहेंगे जिस बेसिस पे आप वोट कास्ट करेंगे?
पहले तो देखेंगे वो जो हमारे जो जो भी हम लोग जो प्रतिनिधि बनने वाले होंगे कि वो कैसा है, ठीक है, वो मतलब जनता के विषय में आते हैं कि नहीं आते हैं, जनता से उनका संपर्क कैसा है, उनके बाद देखते हैं कि वो काम करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बाद ही हम लोग सोचेंगे कि क्या करना क्या नहीं। यानी कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर वोट करेंगे आप? जी, स्थानीय मुद्दे जो भी हम लोगों के बीच में जनता के जो भी समस्या है उन लोगों पे उस चीज को हम लोग अपने माइंड में मेकअप कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग सोचेंगे कि क्या करने क्या नहीं। और आइए कुछ अब जो यहाँ मौजूद महिलाएं हैं उनसे पूछ लेते हैं कि जब वो वोट करने जाएंगी तो क्या उनके दिमाग में चलेगा, क्या रहेगा उनका, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि उनका सांसद जो हो वो कैसा हो, क्या कुछ उम्मीदें हैं उनको अपने सांसद से, अपने जनप्रतिनिधि से पूछते हैं। शायद वो जवाब देना नहीं चाहती तो कैमरे के पीछे है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि पार्षद काम कर रहे हैं, धीरे धीरे काम हो रहा है। और भी कुछ जो मुद्दे हैं, जैसे इन्होंने बताया कि बिजली जो है, बिजली और सड़क जो है वो तो मिल गई है, लेकिन नालियों का हाल अब भी बुरा है, तस्वीरें ज्यादा बदली नहीं, क्राइम कंट्रोल की कवायद नहीं हो रही है। तो एक बार और पूछते हैं हम कि आखिर जो जिस तरह से आयुष्मान योजना चलाया सरकार ने, क्या आप लोग में से किसी को भी इस योजना का लाभ मिल पाया? किसी को अभी नहीं मिला है। नहीं, हमको मिला है। आइए, पागला नहीं, हमको मिला है। हमारा किडनी में स्टोन था, हम उसको वहाँ क्या नाम है अमृत हॉस्पिटल से हम करवाए, वहाँ पे 13,000 कुछ रुपए कटा, वहाँ से मिला हमको वहाँ से। और क्या बोले इसमें, आयुष्मान भारत किया। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ नकारात्मक चीजें ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सरकारी योजना का लाभ मिला है। अभी अभी एक शख्स ने बताया कि उन्हें आयुष्मान योजना का लाभ मिला, यानी सरकारी योजनाएं पहुंच तो रही है, हालांकि इसके क्रियान्वयन में थोड़ी बहुत देरी हो रही है, थोड़ी बहुत जो रुकावटें हैं उसे दूर करके इन सारी योजनाओं को घर घर तक पहुँचाया जा सकता है। और जिस तरह से सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा नहीं है, बच्चे, आप, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं अभी, और इन बच्चों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सारे बच्चे यहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हैं, जहाँ जिस सरकारी स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 शिक्षक हैं, और वो भी अक्सर नदारद रहते हैं। तो यहाँ के लोगों की ये मांग है कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर शिक्षक नियुक्त कराए जाएं और इन बच्चों को एक स्कूल मिले ऐसा जहाँ वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। और अगर सुरक्षित की बात हो रही है, भविष्य सुरक्षित करने की बात हो रही है, तो सुरक्षा की बात एक बार फिर करते हैं। यहाँ पर जो क्राइम कंट्रोल की बात हो रही थी कि जिस तरह से वारदात होती है और सुरक्षा को लेकर अभी भी रांची में बहुत तरह की वारदात हो गई, तो इस इलाके में क्या पर्याप्त तौर पर सुरक्षा मुहैया कराई गई है सरकार की ओर से या जनप्रतिनिधि की ओर से? जी नहीं, वैसे कोई बात नहीं है, नहीं वैसे कोई सुरक्षा के मतलब वैसा नहीं मिल पा रहा किसी को, आए दिन कुछ ना कुछ वारदात होते ही रहता है यहाँ। तो हम लोग मांग करते हैं कि आने वाले जो भी हम लोग प्रतिनिधि बनेंगे कि कृपया करके इस क्षेत्र में मतलब जो भी सुरक्षा का मतलब सुरक्षा की दृष्टि से जो भी कार्य किया मतलब होना चाहिए, आप कृपया करके ध्यान दीजिएगा इधर। और एक चीज, एक सवाल जो था जो हम लगातार अपने इस कार्यक्रम के जरिए उठाते रहे, आजकल अभिभावक के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि निजी स्कूलों की मनमानी बहुत बढ़ गई है, और इस पर रोक लगाने के लिए, इस मनमानी को रोकने के लिए कई बार अभिभावक संघ ने भी कई मुद्दे उठाए, मांग की है सरकार से, लेकिन कुछ अमल होता नजर नहीं आया। तो पूछते हैं कि सर, जिस तरह से सरकारी स्कूल में तो पैसे कम लगते हैं लेकिन वहां की व्यवस्था आप देख ही रहे, लेकिन निजी इसी का फायदा उठाते हैं और जो हर साल जो फीस में वृद्धि की जाती है री एडमिशन के नाम पर, जिस तरह से मनमाना पैसा वसूला जाता है, क्या उसे लेकर सरकार से अब क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में ऐसा सुविधा दे कि हम लोग प्राइवेट स्कूल में ना जाए और बच्चा को उसी में डाले, और नहीं तो फिर कुछ ऐसा उपाय किया जाए जो प्राइवेट स्कूल अपना मनमानी फीस नहीं बढ़ा सके। और एनिमल जो अभी नियम बना दिया है, जब एनिमल का फिर से नाम एडिशमेंट करा, उसमें कुछ रोक हो और हम लोग को कुछ रिफ्रेंस मिले। तो मतलब आप चाहते हैं कि सरकार इसमें जल्द से जल्द कोई स्टेप ले, कोई कदम बढ़ाए ताकि ये जो मनमानी है उस पर रोक लगे। हाँ हाँ, यही चाहते हैं कि फीस पर कम से कम कंट्रोल होना चाहिए सरकार का।
तो देखा आपने यहाँ के लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी सुविधाएं जो है उससे तो जूझ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि धीरे धीरे विकास हो रहा है, तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। हालांकि बदलाव में वक्त लगेगा, लेकिन बतौर सांसद जो वो चुनेंगे उनके लिए वो ये जरूर उम्मीद रखते हैं कि उनका सांसद ऐसा हो जो वो उनकी जिंदगी के जो स्तर है उसमें बदलाव ला सके। हमारे साथ एक महिला जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। मैम, सांसद जो हैं आपके, आप उनको पहचानती हैं? किसको? आपको? यहाँ नहीं, आप यहाँ के सांसद को पहचानते हैं? यहाँ के समझ रहे हैं, यहाँ के सांसद कौन है? यहाँ के यहाँ के सांसद कौन है? नहीं नहीं, यहाँ के सांसद को नहीं जानती, जनप्रतिनिधि कौन है नहीं जानती, लेकिन फिर भी एक सवाल जो है, आप सरकार को तो जानती है, सरकार सरकार से आप क्या क्या चाहती है? लोकसभा इलेक्शन होने वाले, वोट डालने जाएंगी ना, वोट डालने जाएंगी तो क्या चाहती है, क्या क्या मिले आपको सरकार से? सुविधा मिले। कौन सी सुविधा? पानी के, बिजली के, रोड नाली के, इस सब के सुविधा मिले, बहुत अच्छा के बात है। तो भले ही सांसद को ना जाने ना पहचाने, अपने जनप्रतिनिधि की पहचान ना हो, लेकिन एक उम्मीद है, एक आशा है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे वो इनकी समस्याएं जरूर दूर करेंगे और जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो इन्हें जरूर मिलेंगी। तो आज के बोल जनता बोल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर किसी और इलाके में होगी मुलाकात। नमस्कार।